चौपारण प्रखंड के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों का चयन पहली बार बिना किसी कंपटीशन के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका नेशनल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो राज्य सरकार की झारखंड प्रतिभा खोज सेशन 2018-2019 के तहत ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसके लिए नियम पूर्वक वैसे सभी बच्चों को जो गुमनामी के साए में जी रहे हैं, इस एसोसिएशन के माध्यम से सभी छुपे हुए प्रतिभाओं को बाहर निकालने का उद्देश्य सरकार संस्था के माध्यम से कर रही है। इसी के तहत आज चौपारण के नरेना साइंस विद्यालय में संस्था के परियोजना प्रभारी मनोज मोदी के नेतृत्व में कैंप किया गया। मौके पर संस्था के कोषाध्यक्ष प्रेमलता बर्नवाल ने बताया कि सभी चयनित बच्चों को उनकी प्रतिभा का उड़ान मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों को आकर्षक गिफ्ट हैम्पर एवं सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मेरा नाम मनोज मोदी है सर। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हूँ, भारत सरकार की ओर से भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ नोएडा सा इवेंट मैनेजर हूँ, जिसे अभी झारखंड सरकार के तहत अपना संस्थाओं के माध्यम से प्रोग्राम रखा गया है। एक बच्चों का सांस्कृतिक प्रतियोगिता और एक छात्रवृत्ति का। सांस्कृतिक में जैसे आप सांस्कृतिक प्रतियोगिता का जो मकसद है, बच्चों में छुपी हुई और जो उनमें प्रतिभा है, जो कला है, उनको एक मंच देना होता है। तो अभी जैसे ये आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है, ये इसका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का तीसरा प्रखंड है, चौपारण प्रखंड। दो ब्लॉक्स में ऑलरेडी कोलेबरेट कर लिया गया है। अभी 29 जुलाई को हाल ही में आपका बरही के टाउन हॉल में रखा गया था, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों के बच्चे अपने प्रतिभागी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किए थे। अभी ये तीसरा प्रखंड है, चौपारण प्रखंड। तो 2 दिसंबर को अभी ब्लॉक में रखा गया था। तो प्रतियोगिता का मकसद जो है बच्चों में छुपी हुई कला और संस्कृति को निखारना है और बच्चों को सम्मान पत्र और मेडल सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित। जो बच्चे जैसे हर ब्लॉक से हर प्रखंड से आपका 30 से 35 बच्चों का सिलेक्शन किया जाना है सर, जो कि आपका फाइनल आपका हजारीबाग के टाउन हॉल में रखा गया है, जिसमें सभी 16 प्रखंड के सिलेक्टेड स्कूल के सिलेक्टेड चयनित बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे और अपने। सर हमारी रणनीति यही है कि हम बच्चों के अंदर के प्रतिभा, देखिए सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस स्टेज तक पहुंच नहीं पाते या फिर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। खास करके गांव कस्बों के लोग मतलब कहिए तो DID वगैरह पे तो सब कुछ बड़े बड़े शहरों में तो पॉसिबल हो जाता है, ऐसा नहीं, छोटे शहरों में पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। ये एक जरिया है जिसके चलते हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाना।